भावना आ रही है। भारत की जनता भारत माता की कहते हुए ये और देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों की जो सोच है उसको निष्पक्षता हो। अब अंतिम सवाल करूंगी, आतिशी ने आरोप लगाया है कि एनडी के निर्देश पर दिल्ली पुलिस जो है वोटिंग स्लो करा रही है। वोटिंग स्लो नहीं है, वोटिंग हम तेज करा रहे हैं। और जो लोग हार गए हैं उन्होंने हार मार दी है, वो रोना रो रहे हैं। मनोज जी कितने 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 वोटों के अंदर वोट को कास्ट करने के लिए और जाहिर तौर पर उनको ये लगता है कि जिस तरीके से 2019 पिछली बार 4 लाख से जीत का तर्क है, चलो चूंकि लड़ाई भारत माता की जय वर्सेस भारत के टुकड़े टुकड़े हो गई। लड़ाई भारत की सेना का सम्मान करने वालों वर्सेज भारत की सेना को गाली देने वालों के बीच हम ये देख रहे हैं कि लड़ाई राम प्रेमियों और राम द्रोहियों के बीच है। जो राम कराए हम उनको लाएंगे और भारत को हम अपने वोट से विकसित बनाएंगे, यही भाव चल रहा है। मनोज जी मैं इसको बहुत सकारात्मक मान रहा हूँ। जो लोग कभी मतदान करने नहीं गया वो भी आज छुट्टी ले ले करके, अभी मैं देख रहा था कि निरंकारी जो माता जी हैं अभी मुझे पता चला कि वो कहीं दिल्ली से बाहर थी, वो सिर्फ वोट करने के लिए आई। और स्पेशली मुझे बताया गया कि माता जी वोट करने आ रही हैं। कल मैं उनको उनका वोटिंग का जो निकाल के हम लोग देते हैं ना डिटेल्स, वो भी देने हम गए थे निरंकारी भवन। तो ये कितनी अच्छी बात है, और उनको फिर कहीं जाना है वो वोट दे के जा रही हैं। अभी मुझे एक जगह से ऐसा आया कि किसी को गांव जाना था, भैया हम वोट दे के तो गांव जाएंगे। तो ये जो जन जागरण हुआ है वो बहुत अच्छा है। कई लोगों ने बाहर पढ़ रहे अपने बच्चों को बुला लिया है। ये जो जन जागरण है वो देश हित में है, और शायद वो इसलिए भी है कि जो महिलाओं को पीट रहे हैं उन लोगों को इस चुनाव में महिलाएं वोट से पीटेंगी। तो मनोज जी दिल्ली में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? दिल्ली की सातों सीटें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रही है। दूसरे जो हैं वो इस देश को इस रफ्तार को रोकना चाहते हैं, और लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं। प्रियंका आरोप लगा रही है कि जहां पर इंडिया ब्लॉक का वोट है वहां प्रभावित किया जा रहा है अभी कुछ देर पहले का। उनको पता नहीं क्यों भारत को बार बार ब्लॉक में बांटने का मन करता है। अरे भाई हमारा भारत भारत है, और वो क्यों ऐसा मान रहे हैं कि बस वहीं से उनका थोड़ा सा वोट आता है? अगर कर्म किए होते तो हर जगह से वोट आता। इसलिए हर जगह बहुत सुचारू रूप से और ठीक से मतदान चल रहा है। हाँ, ये जरूर हम लोगों ने निश्चित किया है कि कोई अगर अपनी पहचान छुपाकर पर्दे में आकर के वोट डालता है तो वो ठीक बात नहीं है। उसकी फोटो के मिलान के लिए उसके चेहरे को उजागर करना चाहिए, और वो हो भी रहा है। और जो अगर ऐसा कोई भी प्रकरण आया है, एकाध प्रकरण आया है जहाँ चेहरा मिलाते भागते हुए पकड़े गए हैं, तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई जी।